अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हीना और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल हीना बी हेल्दी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं जो आपके ब्लैक अंडरआर्म्स को लाइटन करने में हेल्प करेगी। अक्सर बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है ब्लैक अंडरआर्म्स की, तो आप कैसे घर बैठे मामूली सी होम रेमेडी ट्राई करके अपने अंडरआर्म्स को लाइटन कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बेहद ही आसान है और इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि आपको जो मैं यहाँ पे चीज़ बताने वाली हूँ ये इजीली आपके घर में अवेलेबल होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा वो लेना है जो आपके किचन में यूज़ होता है। अक्सर देखा गया है कि इंडियन किचन्स में ये ऐसी कॉमन चीज़ होती है जो हर एक किचन में पाई जाती है। ये आपको किसी भी शॉप में भी इजीली मिल जाएगा और अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये हर एक किचन में अवेलेबल होती है। आपको एक चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा लेना है और साथ ही में यहाँ पर आपको जो है एक से दो ड्रॉप पानी डालना है। आपको यहाँ पे पानी अगर चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखनी है ताकि वो आपकी जो अंडरआर्म्स है उस पर अच्छी तरीके से अप्लाई हो सके। ये आपकी होम रेमेडी बनके तैयार हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी आप नहाने जाते हैं तो नहाने जाने से पहले आपको 5 मिनट पहले ये होम रेमेडी को ट्राई करना है। आपके जो ब्लैक अंडरआर्म्स है वहाँ पे आपको इस पेस्ट को लगा के जेंटली रब करना है। ज़्यादा पुश नहीं करना है, जेंटली एकदम रब करना है, यानी हल्के हाथों से आपको यहाँ पे स्क्रबिंग करनी है। आपको ये स्क्रबिंग 2 से 3 मिनट ही करनी है। 2 से 3 मिनट करने के बाद में आपको ये जो आपने होम रेमेडी अप्लाई की है अपने ब्लैक अंडरआर्म्स पे, वहीं पर आपको छोड़ देना है 5 से लेकर 10 मिनट तक। अगर आप 5 मिनट भी रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत बिजी लाइफ है, तो अगर आप 5 मिनट भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और 10 मिनट भी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 5 से 10 मिनट रखने के बाद में आपको इसको हल्के पानी से जो है वॉश कर लेना है। 5 से 10 मिनट रखने के बाद में आपको जो नॉर्मल वाटर होता है जिससे हम नहाते हैं, यहाँ पे मैं गर्म पानी की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी बात कर रही हूँ, उससे आपको जो है वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में आपका ये प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसको आप 1 वीक के अंदर 2 बार ट्राई कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद में आपको 1 से 2 एप्लीकेशन में ही इसका रिज़ल्ट देखने मिलेगा। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हमारे इस चैनल पे जितनी भी होम रेमेडीज दी जाती है वो ट्राई एंड टेस्टेड होती है। मैंने ये अपने ऊपर सबसे पहले ट्राई किया जिससे मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला, तभी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है ब्लैक अंडरआर्म्स को लाइटन करने के लिए। एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, इसलिए एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर ले। अगर आपको कोई इरिटेशन हो रही है और सूट नहीं हो रहा है आपकी बॉडी पे, तो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई भी तरह का आपको जो है इचिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो फिर आप इस होम रेमेडी को ट्राई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है और बहुत ही कारगर है ब्लैक अंडरआर्म्स को लाइटन करने में। आई होप इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो या फिर स्किन से रिलेटेड हो या फिर हेयर से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। वीडियो अगर आप लोगों को दिल से पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।